सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैलगांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत से खेतों से आए मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ रास्ते से हो रही है। मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी जंगल घास के लिए जा रहे हैं, और आज मैं आप लोगों को चुपदार की सैर भी कराऊंगी, तो आप लोगों को बताऊंगी हमारे यहाँ कितनी दूर जाते हैं घास के लिए, वो भी सावन के महीने हम लोग काफ़ी दूर जाते हैं घास के लिए। तो आज मैं आप लोगों को चुपदार की सैर भी करा लेती हूँ। बाकी जो जंगल जाने का जो रास्ता था ना, वो भी बन गया है नया, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते नहीं बच रखे थे। यहाँ बादल फटने के कारण पूरा रास्ता तहस नहस हो गया था, और यहाँ नीचे की हालत देख सकते हैं आप लोग, पूरे पेड़ वगैरह यहाँ आ रखे हैं। तो यहाँ आजकल नया रास्ता भी बन गया है PWD द्वारा, यहाँ रास्ता भी नया बन चुका है। तो एक बादल फटा इधर साइड, तो यहाँ देख सकते हो इतनी गहरी खाई बन रखी है। और मेरे साथ मेरी मम्मी है, मैं और मम्मी जा रहे हैं घास के लिए अभी। तो उधर की साइड भी काफ़ी बड़ा गदेरा आ रखा था, तो वहाँ भी रास्ता बन गया है। तो यहाँ के हालात भी देख लीजिए, यहाँ पे है पानी की टंकी, और यहाँ से जिस दिन बादल फटा तो यहाँ इतना भयंकर हो रखा था ना, इतना भयंकर गदेरा आ रखा था यहाँ। और इस गदेरे ने देखिए यहाँ नीचे की क्या हालत कर दी है, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यहाँ कभी गदेरा हुआ करता था, छोटा गदेरा और यहाँ खेत हुआ करते थे। और उधर देखिए खेतों की भी क्या हालत हो रखी है। खेत रास्ते से तो हुआ ही नुकसान, लेकिन जंगल भी तबाह हो गए हैं, जंगल जाने के लिए भी रास्ते नहीं बचे हुए हैं। और हम अब गाय भैंसों को देंगे भी क्या, और जंगल में घास भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे मिल गई हैं बौवा जी, और आगे से जा रही हैं ताई जी बैलों को लेकर। तो आज सब जा रहे हैं जंगल, कुछ चले गए हैं ताई लोग। और यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है फाटा मार्केट, ये देखिए फाटा मार्केट यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है जामू गांव, मतलब ऊपर जामू गांव है और यहाँ नीचे है फाटा मार्केट। तो अभी यहाँ आगे से जा रहे हैं सब, और कुछ चले गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ बगड़वाल के गदेरे में, और यहाँ भी बादल फटा। और ऊपर देखिए जो पेड़ है ना उतीस के, वो सारे नीचे आ रखे हैं, और यहाँ भी बादल फटा और गदेरा भी इतना भयंकर आया ना यहाँ। तो यहाँ भी रास्ता बन चुका है नया, ये देखिए यहाँ नीचे की हालत देख सकते हैं आप लोग। तो बैलों को हम यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी हमें काटना है घास यहाँ नीचे। तो दराती की धार को भी तेज कर दिया है। बाकी अभी मेरे साथ हैं बाबा जी, तो बाबा जी जा रही हैं, और आगे से दादी और ताई लोग भी चले गए हैं, और मेरी मम्मी आ ही रहे हैं पीछे से। कोई उधर की साइड जा रहा है घास के लिए, और कोई आ रहे हैं, तो मैं तो यहाँ पे काट लेती हूँ घास। और मैंने ना ट्राईपोड भी नहीं ला रखा है, जिससे मतलब मैं घास काटूँ और वैसे ही मेरी वीडियो बनती रहे, तो नहीं बना पाऊँगी मैं घास काटने वाली वीडियो। तो मिलती हूँ आपको घास काटने के बाद। जहाँ हम घास के लिए आ रखे हैं ना, यहाँ सिर्फ चीड़ के पेड़ ही पेड़ हैं। ये देखिए मेरे पास घास भी हो गया है, और मम्मी मेरे पास लगा रही है यहाँ पे भारी। बाकी ये रही मम्मी की भारी, और ऐसा छोटा छोटा घास है, तो घास की भारी भी आप लोगों को छोटी दिखाई दे रही होगी। तो मम्मी ने ये भारी लगा रखी है डंडे पे। तो अभी हमने यहाँ पेड़ों से एक डंडा निकाला, वो भी अंग्यार का, तो उस पर लगा रही है मम्मी भारी। और मेरे पास 9 पूली हुई, और मम्मी ने 10 पूलियाँ लगा रखी है।
गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो घास के लिए आ रखे हैं यहाँ, तो यहाँ जाल का रास्ता बोलते हैं यहाँ के लिए, तो यहाँ आ रखे हम घास के लिए। और छोटा छोटा घास हो रखा तो हमारे घर में तो खेती बाड़ी चली गई है अब जंगलिया नाम में, तो यहाँ से काटे आटा लो नोकूली और अब चलते हैं घर। तो डंडे पे ऐसे लगाया जाता है, पहाड़ी भारी है ये। हाँ, आजकल घास जितना भी काटो ना गाय भैंसों के लिए उसकी वो ही नहीं है, मतलब पेट ही नहीं भरता है घास से। तो आजकल ऐसे डंडों पे ले जाया जाता है जंगलों से घास। तो मम्मी ने मेरी घास की भारी भी लगा दी है और काफी सुंदर भारी लग रखी है, ये देखिए पहाड़ी भारी। तो आजकल हमारे गांव में ना ऐसे घास लाया जाता है जंगलों से, ऐसे डंडों पे लगाया जाता है भारियों को। बाकी मम्मी भी भारी उठाने लग गई है, औरों के पास तो अभी घास हुआ नहीं है। बाकी ताई भी आ रही है, दादी तो घर चले गई है क्योंकि दादी के यहाँ आ रखे हैं बल मेहमान, तो दादी तो हमसे आगे चले गई है थोड़ी देर पहले। बाकी अब हम भी चलते हैं घर, काफ़ी तेज़ धूप भी लग रही है और पानी भी नहीं लाए हम साथ में, कल से पानी की बोतल भी लानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रही मेरी भारी, कमेंट करके बताना कैसी लग रखी है भारी, मम्मी ने लगाई और काफी सुंदर भारी लग रखी है। अभी हमने 2-3 किलोमीटर दूर जाना है तो फिर मिल गए रास्ते में, अगर थकाई नहीं लगेगी तो हम 2-3 किलोमीटर दूर आ रखे हैं यहाँ जंगल। तो बाबा जी के पास भी थोड़ा बहुत घास हो गया है, बाबा जी बोली अभी मेरे पास भी नहीं हुआ है। तो ये रही बाबा जी की भारी, तो बाबा जी यहाँ पे बिसा रही है भारी को। दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गई हूँ गौशाले में और मेरा फेस पूरा लाल हो गया है, पसीने से भी हो गया है और गर्मी से भी हो गया है। बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना और सब ने अपनी गाय भैंसें अंदर बांध दी है क्योंकि जंगली मक्खियाँ काटती हैं आजकल भैंसों को, भैंस गाय दोनों को काटती हैं। बाकी हमने सुबह ही बांध दी थी अपनी भैंस और गाय को अंदर और अंदर घास भी डाल दिया था। तो अभी मैंने एक एक कुली गाय और भैंस दोनों के पास डाल दिया है और मम्मी तो नहीं आई है। टाइम 12:30 भी हो गया है तो गौशाला तो घास डाल दिया है मैंने, अब गौशाला आऊँगी मैं शाम को 4:30 या 4 बजे आऊँगी अब गौशाला। और भाई की स्कूल की छुट्टी भी होने वाली होगी, अब दिन का लंच बना लेते हैं, देखते हैं दिन का लंच में क्या बनता है। बाकी मेरी मम्मी तो आई नहीं, मेरी मम्मी पीछे से आ रही थी ताइनों के साथ। तो गौशाला से घर आने के बाद मैंने दिन का लंच बनाया, बाकी मम्मी मुझे अभी यहाँ पे परोस रही है दिन का लंच। तो दिन का लंच भी मम्मी ने मुझे परोस दिया है, दिन के लंच में है चावल हो गया, दाल हो गई और रायता। तो लेते हैं गर्मा गर्म लंच का मज़ा, तो आप लोग भी आ जाइए दिन का लंच करने के लिए। तो दोस्तों दिन का लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और गौशाला का काम करके भी आ गई हूँ। 4 बजे गौशाला का काम करके गाय भैंसों को बाहर निकाला, नहलाया, गोबर साफ किया, तो अभी आ गई मैं घर पे। और अभी हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को शाम के टाइम। अभी हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है और आसमान में काले बादल छा रखे हैं और सामने दिखाई दे रहा है तरसाली गांव, और तरसाली में ना देखिए कोहरा छाया हुआ है ऊपर वाली पहाड़ियों पे। और मेरी मम्मी ना रात के डिनर की तैयारी करने लग गई है, अब हम भी रात के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और लाइट तो नहीं है, लाइट भी चले गई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।